माइक्रोनेश। अब ये माइक्रोनेश होता क्या है, माइक्रोनेश किस चिड़िया का नाम है, माइक्रोनेश से ये एक बात तो है भाई, माइक्रोनेश से कमाई दबा के होती है। तो अगर आपको जानना है माइक्रोनेश के बारे में तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, आप सब देख रहे हो ट्राई डबल ओटेक, ट्रायोटेक नाम मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप सब जानते हो, मैं बताने वाला हूँ आपको माइक्रोनिश के बारे में और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। मेन बेनिफिट्स तो यही होते हैं भाई कि कमाई दवा के होते हैं, कन्वर्जन्स तो ऐसे होते हैं कि यू कांट इमेजिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोनिश होता क्या है। देखो, नीश तो एक होता है कैटेगरी, एक सेगमेंट या फिर एक आप बोल लो कि नहीं एक क्षेत्र जिसके अंदर लोग काम करते हैं। नीश आपका टॉपिक भी हो सकता है, एक कैटेगरी भी हो सकता है, एक इंडस्ट्री हो सकती है पूरी। तो उस नीश के अंदर एक होता है सब नीश, सब नीश के अंदर होता है माइक्रो नीश। तो ये माइक्रो मतलब छोटा, अब छोटा मतलब जिसका दायरा कम है और एकदम टारगेटेड, जो बोलते हो ना कंसेंट्रेटेड। जैसे हम सब अगर विनेगर, आपने कभी ट्राई किया विनेगर, विनेगर को हम हिंदी में बोलते हैं सिरका, आप बहुत लोग जानते होंगे। तो विनेगर इतना कंसेंट्रेटेड होता है कि आप उसको एक बूंद अगर अपनी जीभ पे लेते हो तो जल जाएगी जीभ, है ना। तो इसीलिए उसी तरीके से अगर आप माइक्रोनिश की बात करो तो माइक्रोनिश मतलब एकदम कंसेंट्रेटेड नीश, एकदम टारगेटेड नीश। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी है अमेजोन, अमेजोन एक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस प्रोडक्ट्स हैं, करोड़ों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। तो अब उन प्रोडक्ट्स को क्या हम एक नीश बोल सकते हैं? नहीं। जैसे उसमें फैशन इंडस्ट्री एक नीश है, अब फैशन के अंदर भी एक लेडीज गारमेंट एक सब नीश है। अब लेडीज गारमेंट्स के अंदर अगर आप देखो तो अभी जो लेडीज चप्पल का कैटेगरी आता है ये होता है हमारा माइक्रो नीश। अब जैसे या फिर मेन शूज हो गया, ये हो गया माइक्रो नीश। तो अगर इसी माइक्रो नीश को आप टारगेट करके कोई भी कैटेगरी में, हर कैटेगरी के अंदर एक माइक्रो नीश होता है, उसके ऊपर आप वेबसाइट बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो, उसको प्रमोट करते हो, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप बहुत जल्दी ग्रो करो और आपकी जो आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा और उसके बाद फिर जल्दी आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। और इसमें कन्वर्जन रेट तो पूछो ही मत यार, बहुत जबरदस्त कन्वर्जन रेट होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको डीमेरिट्स बता देता हूँ इस माइक्रो नीश के, उसके बाद फिर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो डीमेरिट्स ये होते हैं कि आपको यहाँ पे एक तो ऑडियंस जो होती है, जो ट्रैफिक होगा वो लिमिटेड होगा, आपको तो कम में ही संतोष करना पड़ेगा। जैसे अगर एक नीश वेबसाइट पर अगर दिन के 5,000 लोग आते हैं तो यही दिन के आपके 500 या फिर 1,000 लोग भी आ सकते हैं आपकी माइक्रो नीश वेबसाइट पे। तो ये कुछ डिफरेंस होता है नीश वेबसाइट और एक माइक्रो नीश वेबसाइट में। दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप एक नीश स्पेसिफिक काम कर रहे हो तो मतलब आपके पास कभी कभी टॉपिक्स नहीं मिलेंगे कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखो। तो जैसे अगर आप वर्डप्रेस के बारे में लिखते हो, वर्डप्रेस में भी एक अंडर नीश आता है कि आप सिर्फ प्लगइन्स के बारे में लिख सकते हो। तो बट प्लगइन्स, कितने प्लगइन्स के बारे में आप लिख दोगे? अगर यहाँ पे सोचो, चलो अब एक कुछ वैल्यूएबल जो अच्छे प्लगइन्स होते हैं वो करीब 50, 100, 150, सपोज 1,000 प्लगइन्स के बारे में आपने लिख दिया, उसके बाद शायद आप खुद ही उब जाओ कि नहीं भाई हमको इस पे मन नहीं करता लिखने का, अब हमें लिखना नहीं चाहिए। तो ये कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं ये आपको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस कम होने की वजह से अगर आप सोचते हो कि आप मीडिया नेट या फिर एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर पाओ तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपके पास इतने क्लिक्स नहीं आएंगे, ट्रैफिक नहीं है आपके पास। तो ये कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं आप फेस कर सकते हो। तो इसके कुछ बेनिफिट्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिए, और कुछ इसके बेनिफिट्स और है कि कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर जैसे आपकी नीच वेबसाइट है उस पर आपको डेली 1,000 ट्रैफिक आ रहा है और इस पर भी सपोज आपको 1,000 ट्रैफिक आ रहा है, तो जो नीच वेबसाइट होगी उस पर कन्वर्जन रेट सपोज हम मानते हैं 5 से 6 लोग कन्वर्ट होते हैं, बट यहाँ पे वही कन्वर्जन रेट आपका 20 to 25 या फिर 30 भी जा सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है माइक्रो नीश वेबसाइट और नीश वेबसाइट के अंदर। और बेनिफिट्स ये हैं कि आप यहाँ पे हाई एंड प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। हाई एंड प्रोडक्ट्स मतलब सपोज जैसे एक इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर एक सब नीश है फेसबुक मार्केटिंग। तो आप फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर लोगों को एजुकेट करते हो, उनको उसके बारे में ही बताते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका माइक्रो नीश आपने पकड़ लिया कि फेसबुक मार्केटिंग। उसके अंडर भी अगर आप नीश स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो उसके अंडर भी नीश है कि फेसबुक मार्केटिंग के अंदर अगर जैसे लीड जनरेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लीड जनरेशन के बारे में बता सकते हो। तो अब सपोज जैसे लीड जनरेशन के लिए आप काम कर रहे हो, आप लीड जनरेशन के ऊपर लोगों को बताते हो, आप अपने आर्टिकल के फॉर्म में
लोगों को फ्री चीजें दे रहे हो, बट वहीं अब आपको क्या करना है, आपको हाई टिकेट प्रोडक्ट्स का सेल करना है। और सपोज आपने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका प्राइस आपने 5,000 रुपीज रखा, अब 5,000 रुपीज का वो कोर्स है और आपके पास नीश स्पेसिफिक एकदम टारगेटेड नीश ऑडियंस है, तो कन्वर्जन रेट कितना होगा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर 1,000 डेली के विजिटर हैं तो मैं मान के चलिए अगर आप 10 लोगों को भी कन्वर्ट करते हो डेली, 50,000 आप डेली कमा सकते हो, है ना। एडसेंस से बोलो कमा सकते हो क्या, नहीं कमा सकते। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है नीश स्पेसिफिक रहने में और नीश स्पेसिफिक लिखने में, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करने में और वहां पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने में। तो और एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एक इंडस्ट्री है गैजेट्स की, गैजेट्स एक मल्टी नीश है, मतलब बहुत बड़ा नीश है, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज आती है, स्मार्टफोन्स हो गए, आपके एक्सेसरीज हो गए, आपका एक्सेसरीज के अंदर भी आपके ईयरफोन हो गए, अब उसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो वायरलेस ईयरफोन हो गए और विद वायर वाले जो ईयरफोन होते हैं वो भी एक माइक्रो नीश बन सकता है। तो उसके अंदर भी अगर आप डीप जाओगे तो ईयरफोन के अंदर भी जो आता है कि ईयरफोन के माइक्स या फिर ईयरफोन के जो आते हैं अपने स्पीकर, उसके बारे में लोग लिख सकते हो, उसके बारे में अगर लोग सर्च करते हैं तो आप लिख सकते हो, लेकिन वो फायदा नहीं है। तो इसलिए काम वही करो जहां पे आपको बेनिफिट हो, जहां से आप कम प्रोडक्ट्स बेच के बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। तो अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो, यहां पे आप काम करना चाहते हो और पैसा तो भाई दबा के है, अगर आप एक बार आपको सीखने की देरी है कि आप कैसे क्या चीज काम करती है और किस तरीके से वो जो आप रैंक कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, वो सब चीज अगर आपको आ गई, हालांकि टफ होता है, लेकिन अगर आप माइक्रो नीश में काम करोगे तो ईजी हो सकता है आपके लिए। और सबसे बेस्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट्स भी अगर वहां पे सेल करते हो तो वही हो गया ना, चेरी ऑन द केक, वही वाली बात हो जाएगी आपके लिए। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, आप ब्लॉगर से स्टार्ट कर सकते हो। अब लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं लोगों को ब्लॉगर से, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉगर रिकमेंड करते हैं लोगों को, लेकिन मैं ब्लॉगर रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हो तो आप वर्डप्रेस के साथ ही जाओ। अगर आपको नहीं आता आप सीखिए, वर्डप्रेस के लिए WP बिगनर है, शाउट मी लाउड, ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, आप इंटरनेट में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पे देखिए, उसको सीखिए, अब्सॉर्ब करिए। आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको माइक्रो नीश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल एड्रेस है, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जैसे मैंने बोला, मन में सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करो, और अगर नए मेहमान हो, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और आप सबको पता होगा कि मेरा दूसरा नया चैनल भी है जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। और जाते जाते बस मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो भाई कर लो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। तो चलो भाई मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय।